अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। आपका नाम क्या है? इसका नाम नहीं है। और नहीं, आप कैसे हो? नहीं है ये। अच्छा, सारे बच्चे सोए हुए हैं, भाल उठा हुआ है, भाल ने फिटर भी पी लिया, हमारे साथ नाश्ता भी कर लिया, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गला खराब हो गया, गला खराब हो गया मेरे बेबी का। मुंह देख कितना सो गया, मेरे हाथ जितना, डब्बी जितना मुंह हो गया बीमार होके। बल अब आज भी सोया हुआ है, तस्वीर परमिश भी सोई। हम नाश्ता करके फ्री होकर बैठे हुए, तो मैंने कहा चले मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ। मैंने पूरा घर साफ किया यार, मैं दिखाती हूँ घर साफ होकर कैसा हो गया है। बाकी गैराज का मार्बल आ गया है, खिड़कियाँ, तस्वीरें आ गई थी और बहुत प्यारी थी। वो कहते अभी हम लेके निकलेंगे खिड़कियाँ, तो वो भी आज कल के ब्लॉग में आप देखोगे खिड़कियाँ लगी हुई होंगी। और कल संडे, कल हमारे दरवाजे भी लग जाएंगे सारे ना। दरवाजे को लॉक्स लाने का हमें टाइम ही नहीं मिला, कल फ्राइडे था, आज जाऊँगी लॉक्स लेने के लिए। आज एक्चुअली मेरी पेमेंट भी आ गई है ना, तो पेमेंट लगाऊंगी फिर लॉक्स दूंगी उनसे दरवाजों के। कहाँ हो गया, लगी है, कौन लगी मेरे बेबी को? जब से बीमार हुआ ना इतना चिड़चिड़ा हो गया, री री करता रहता है, कोई इसकी चीज को हाथ लगा तो रोने लग जाता है। मेरा फीडर नहीं लो, मेरे पास नहीं लेटो, मेरी रोटी को हाथ नहीं लगाओ, मेरे अंडे को हाथ नहीं लगाओ, बस ऐसे करता रहता है। ऐसे क्यों करते रहते हो? चलो, मैंने घर की सफाई की है यार, मैं रात को 3 बजे सोई हूँ सफाई करके। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसी सफाई की है घर की, घर कैसा लग रहा है। मैंने सेटिंग की है सारी, और चीज़ें वगैरह मैंने स्टोरेज बॉक्स में डाली भी सारी दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। मैंने जहरा स्टोर से जो ग्रे वाले बैग्स थे ना, वो और मंगवाए हैं, क्योंकि उन बैग्स में मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया था। और वो बैग्स जो है ना वाटर प्रूफ भी है ना, कोई चीज़ भी पड़ती है ख़राब नहीं, तो डब्बों के टेप्स हटाने पड़ते हैं मुझे सामान निकालने के लिए। इसके खाली जिप खोलती हूँ तो सामान निकलता है, मैं खोलती हूँ और दिखाती हूँ आप। अच्छा भाई, तो ये बैग्स आ गए हैं, और ये वकास ने मुझे कल ही बोला था कि ये बैग्स और मंगवा लो, तो वकास से आ गए हैं। आए मेरे साथ सामान रखवा दें इसमें, देखिए ये देखें जी, इतना यूज़फुल है ना ये बैग। सीरियसली मैं भी आपको दिखाती हूँ जो मैंने इसमें सामान रखा हुआ है। अभी जो मेरे ये वाले कपड़े फैले हुए हैं ना, अब ये कपड़े मैं सारे सर्दियों के इस बैग में डालूंगी। बाकी देखें वहाँ पे उस बैग के अंदर तरीके से रखे हुए हैं, सामने उस बैग के अंदर तरीके से रखे हुए हैं, और फिर ये बैग उठाकर जो ऊपर एक कमरा है ना हमारा, उसमें रखाएंगे। जिस कमरे का काम सबसे लास्ट में करवा लेंगे, उस कमरे में हम सारा सामान रख रहे हैं उठा के। तो अभी सारे कपड़े मैं इसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ। ओके भाई, तस्वीर भी रेडी हो गई है, अर्मिश अपने शूज़ ढूंढ रही है, बिलाज भाज रेडी हो गए किचन में है। वो देखें मैंने उनको बिल्कुल कपड़े पहना दिए साफ सुथरे, वकास स्वेटर बना रहे हैं उनके। अच्छा, इन बैग्स का फ़ायदा क्या है, देखें ना, इनके यहाँ पे से शॉपर लगा हुआ है ना, जी मुझे पता चल जाएगा। इसमें बिलाज के कपड़े हैं, इसमें अदमिश के कपड़े हैं, इसमें तस्वीर के कपड़े हैं, इसमें अभाष के कपड़े हैं। अब चारों कपड़े सेपरेट सेपरेट हो गए, डस्ट भी नहीं पड़ेगी, और ईजिली निकाल निकाल के इनको पहनाए जाऊँगी। छत पर रूम है ना, वहाँ पर रखवा दिए सारे में। बिलाज है ना, अभाष ने स्पेशल मेरा एल्बम खोला है, और इसको इसको बंद करना, मैं दिखाऊँ एक चीज़ बंद करो। तो वो बिलाज कहता है, बिलाज देखो हमारे मम्मा पापा हैं, ये हमारे मम्मा पापा। किसके मम्मा पापा है? ये किसके मम्मा पापा है? ये दोनों मम्मा है, दोनों मम्मा है, हमारे मम्मा पापा हैं। ये पापा है, ये मम्मा, ठीक है। ये तो गंदी है, मैं तो देख नहीं रही। चीज लेकिन देती है सही। चीटोस, चीटोस मांग रही है, डॉक्टर ने मना किया है कि लेस शेस नहीं खिलाने। ये जो हमारे नेबर्स आए थे ना खाना लेके, तो कल मुझे सब बोल रहे थे कि डेंटल MBBS नहीं होता, उनकी वाइफ MBBS, उनके हस्बैंड जो है ना वो डेंटल है। तो ये देखें कबाब लेकर आए थे, और बहुत मज़े का ये, और इसके साथ चटनी है बहुत टेस्टी, और रोटी है ये वाली, और रोटी मैंने रात को फ्रिज में रख दी थी, अब मैंने गर्म की है तो इतनी सॉफ्ट हो गई और खाई जा रही, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का। सीरियसली बच्चे भी खा रहे हैं शौक से, चलो खाना खाते। एक दीवार जो है वो प्लस्तर हो गई है, अभी मैं फर्श धोने लगी हूँ सारा का सारा ना, तरीके तरीके से बैठ कर जो चीज़ें वो ख़राब ना हो। देखे ना, बाथरूम भी सारा सीमेंट सीमेंट हो गया, तो अभी सारा वॉश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ साफ करने के बाद। ये देखें जी, ये वाला कमरा तो मैंने कर दिया है साफ सुथरा। जी घड़ी है ना, ये वॉशरूम में धोया है सारा। ये देखें जी, सारा सामान हो गया साइड पे, कमरा हो गया है सेट। अब बस थोड़ी सी ये रेगुलर यूज वाली चीजें हैं जो साइड पे नहीं हो सकती, मैंने इसको कवर कर दिया स्टोरेज को। एक सोफा यहाँ रख दिया, ये रग पड़ा हुआ था, अभी इसके ऊपर बस वो मान रहा है क्या, ड्राई क्या मारते हैं वकास, वैक्यूम क्लीनर। वकास बेचारे थक के लेटे हैं, ये मत समझना मेरे साथ हेल्प नहीं करवाई, बेचारे ने बहुत हेल्प करवाई मेरे साथ, सोफे उठवाए यहाँ मरवाए। ये देखें टीवी लाउंज भी सेट हो गया हमारा, अब ये कचरा इकट्ठा हुआ है सारा, ये उठाती हूँ सारा कचरा। बच्चों का कमरा तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो लैंप वो कॉर्नर पे आ गया, साइड टेबल्स आ गई हैं कॉर्नर पे, बच्चे खाना खा रहे हैं। अब मैं धोने वाले कपड़े साइड पर करती हूँ। बिलाज आप फिर मैस बाजार में जाना शुरू हो गए हो? अजी अभी मैं सिरों की झोट लगा कर आई हूँ सारी,
और अभी टाइम बताओ क्या हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और मैं चीज़ें सेटिंग करने में लगी हूँ। रोज़ ऐसे ही ना 4, और ये सारा सामान मैंने इन स्टोरेज बॉक्स में डाला है। रोज़ ऐसे ही ना रात के 4 बज जाते हैं। मैं रात को मेरी हालत चेक कर रहे हैं, अब मैं लगी हूँ सोने, थक गई हूँ मैं बहुत सख्त वाली। घर वगैरह बिल्कुल सीधा हो गया है, किचन रह गया बस मेरा। किचन अब कल सीधा करूँगी, कल वैसे भी खिड़की वालों ने आना है तो खिड़की लगेगी ऑब्वियसली, वो ड्रिल व्रिल यूज़ करेंगे, काफ़ी मेस बनेगा कल की वाली। LED टांगनी ये रह गई है, तोड़ना नहीं है वकाश शीशा, तो मतलब काफ़ी हद तक घर संभल गया है, काफ़ी हद तक माशाल्लाह। मैं तिल्ली के लड्डू मैंने कहा मेरी चीज़ है, मुझे मैं थक गई काम करके, चीज़ें खाती हूँ मैं बैठ के। गैराज की लाइट ऑफ कर दूँ है, जलने दो। तो भाई तो नाश्ता तो बन गया है फाइनली, बट ये है कि काफ़ी मैसी हुआ हुआ है सारा कुछ। रात को साफ करके सोते हैं, सुबह फिर डस्ट डस्ट हो जाता है जब तक खिड़कियाँ नहीं लग रही। आई थिंक ये डस्ट ऐसे ही आती रहेगी, है ना विकास? खिड़की के बाद कल आ जाएगा ना पक्का खिड़की वाला, कह तो रहा है कल आ जाओ। नहीं खत्म हुआ, खाओ पूरा अंडा पड़ा हुआ है, खाओ। मैं तस्वीर का वेट कर रही हूँ, वो मार्बल दिखा देती हूँ जो आया है। मुझे इसका नाम नहीं पता कि क्या नाम है, बट वकास ने ये वाला मंगवाया मार्बल। ये प्योर वाइट कुछ है और ना ये ठंडा रहता है, ऐसे भी धूप में पड़ा हुआ ना तो इतना ठंडा है। बहुत अच्छा मार्बल है माशाल्लाह, है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पर प्यारा बहुत ज़्यादा। और आई विश के लगा हुआ बहुत प्यारा लगा, और आई विश के तोड़े ना लगाते हुए, क्योंकि टाइल्स तो बहुत टूटी हैं लगाते हुए, टाइल्स कम पड़ गई थी, टाइल्स और मंगवानी पड़ी थी। 4 टाइल्स या 5 टाइल्स टूटी थी लगाते हुए, और 1600 की एक टाइल्स थी। तो खैर अभी ये आया है तो आई विश के ना टूटे और ये इट इज़ लग जाए, अब देखें कब लगता है ये। और टाइल्स ये वाली और आई थी डब्बे में पैक है, बस वही टाइल है जो फ्लोर पे लगी हुई है। बाकी माली ने आना है, कल भी नहीं आया आज भी नहीं आया, पौधे रख के सूख जाएंगे। वकास माली कब आएगा विकी? अच्छा ये ना टाइम का पानी आता है, तो टाइम टू टाइम पानी जो है ना वो आता रहता है, बिल्कुल साफ शफाफ पानी है। बस ये जब मार्बल लग जाएगा ना सारा, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी हर जगह। कल मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ की, मैं आपको सारा सफाई वाली चीज़ दिखाती हूँ। और इसके अलावा एक चैनल है जी लाइफ इन विलेज, जिस लड़की का चैनल है उसका नाम है सारा। कल मुझे किसी का कॉमेंट आया था कि आप ही लाइफ इन विलेज एक चैनल है, उस लड़की की शादी होने वाली है और वो उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका यूट्यूब चैनल है, जिससे वो अर्न करके अपनी शादी के लिए चीज़ें वगैरह कलेक्ट कर रही है, मतलब जो बाय कर रही है उससे अपने चैनल से। तो किसी का के हाथ नहीं फैला रही, मेहनत कर रही है। तो मैं यहाँ पे साइड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रही हूँ उनके चैनल की, आप देख लें जाके। मैंने भी सब्सक्राइब किया उनका चैनल, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन की है, वीडियोज़ को लाइक भी किया और वीडियोज़ को देख भी रही हूँ। तो आप लोगों के लिए ना उनके चैनल का लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं उनकी, बिल्कुल रियल नेचुरल जैसे मेरी होती है वीडियोज़, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, जैसी लाइफ है वैसे ही आपको दिखाते हैं। तो उनका भी आई थिंक घर बन रहा है या चीज़ें वगैरह ले रही हैं, मैंने एक वीडियो उनकी देखी थी अभी पहली, तो मैं आपके साथ शेयर कर। साइड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। चैनल का नाम आपको नजर आ रहा होगा, लड़की का नाम सारा है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी, आप लोग जाकर सब्सक्राइब करना, उनकी वीडियो को वॉच टाइम भी देना और नीचे कॉमेंट करना नताशा वकास की वीडियो से आए हैं या नताशा वकास ने भेजा है, ठीक है। तो लास्ट में सब्सक्राइब करना आप लोगों ने, ठीक है, उनको सपोर्ट भी दिखाना है आप लोगों ने। अब रात को सारा सफाई करके सोई हूँ, तो अब ये वाली दीवार प्लस्तर हो रही है और ये हालत चेक करें। मेरी जिंदगी का मकसद यही रह गया है सफाई करना। और इधर कितने सारे बैग्स बन गए, अब ये सारे बैग जाके अभी छत पे रख कर आती हूँ, बाकी घर देख लें संभल गया। और आज सीरियसली आज जाके मुझे सुकून आया, मेरा घर संभला है, तो मैं आज सुकून की नींद सोई हूँ। तो ये मैडम अब उठी हैं सो के, किस टाइम उठी हैं सो के आपको टाइम दिखाती हूँ। हम लोग सुबह के उठे हुए हैं और ये 3:15 बजे सो के उठे हो माशाल्लाह। दूसरी वाली किधर है? मिस आपने नाश्ता कर लिया है? तो वहाँ बाहर बैठ के कर लेना जहाँ पे सारे कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं आप आज? अच्छा भला फीडर क्यों नहीं पी रहे हो? पियो, फिनिश करो इसको, गुड बेबी, चलो जाओ खाना खाओ, पूरा फिनिश करो खाना, जाओ। कचरा यहाँ से उठा लिया, वो बाहर ना बाहर जो है ना वो डस्टबिन लगा हुआ होता है, तो वो लोग हर दूसरे दिन उठा के कचरा ले जाते हैं। वो जो ब्लू वाली बाल्टियाँ नहीं होती बड़ी बड़ी, वो लगी होती है। जी बेबी जी, मैं सही कर देती हूँ, इसकी सुइयाँ निकली, मैं सही कर। बलाज ने तोड़ी, अब हाज ने तोड़ी, आप लोग इन्होंने क्या किया ना, ये इनकी ना दिखाओ ये तस्वीर की ना स्कूल अलार्म की घड़ी है ना, तो इसके अंदर ना तस्वीर अलार्म लगा के सोती। तस्वीर ने इसमें शीचा खोली, इसमें पैसे रखे हुए थे, वो अब हाज देखे तो आवाज होता है मामा इसमें पैसे हैं, इसमें पैसे नहीं फेंकी इसमें से पैसे निकालने के लिए। अब इतना छोटा बच्चा उसको कितनी समझ है कि इसमें पैसे हैं। सऊदीया से ना मैं कॉइन्स वगैरह लेकर आई थी इनके लिए, तो वो वाले कॉइन्स इसके अंदर पड़े हुए थे, तो वो उसने निकाले इसको तोड़ के घड़ी को। अब उसे बैठ गई थी मामा देखो उसने तोड़ दी, इसने तोड़ दूर आए थे एक पेज की तरह से मुझे, और इतने प्यारे शूज़ हैं ये, इतने प्यारे आपको क्या बताऊं, पर मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि 26 तारीख से पहले मैंने दिखाना नहीं है, स्कॉलो नहीं है। तो मैं ये इसकी ना बहुत ही प्यारी सी इंस्टाग्राम पे करूंगी वीडियो, आप लोग देख लेना जाके ना।
और वीडियो देख लेना जाके, और क्या कहना था मुझे, हाँ और ना मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ। अभी वकास फ्री होते हैं तो फिर हम जाएंगे लॉक लेने दरवाजे के, चाची की कॉल आई थी अभी और चाची ने मुझे, मैंने चाची से पूछती हूँ ना, चाची का घर पहले बना हुआ है ना तो मुझे चाची का घर काफ़ी पसंद है, चाची से पूछती चाची कौन सी चीज़ किसकी लूँ, कहाँ से लूँ, टाइल्स वगैरह हर चीज़ ना मैंने उनसे पूछ पूछ के लिए, डोर्स की भी, खिड़कियों की भी, किस कंपनी के लगवाऊँ, कहाँ का अलूमिनियम हो, चावला का हो। चाचू तन्वीर ने पेंट बताया था कि ये वाला पेंट करवाना, चाचू ने हमें बोला था कि पहले प्राइमर करवा लो, एक्रेलिक प्राइमर, पता नहीं किस ब्रांड का, वकास प्राइमर किसका करवाया था आपने, निपोन, नहीं निपोन का नहीं, डिलक्स, वकास प्राइमर किसका करवाया था, ड्यूलक्स का, सुनेंगे थोड़ी, ड्यूलक्स का ही प्राइमर करवाया था, निपोन में तो आता ही नहीं, एक्रेलिक प्राइमर हुआ था। अब वॉल पट्टी होगी, सीलिंग के ऊपर पेंट हो गया, ये देखें सीलिंग्स पर पेंट हो गया, दीवारों का नहीं हो सकता क्योंकि ना प्लास्टर गीला, तो अभी करवाएंगे तो वो पेंट गिर जाएगा। और हमने स्टेनलेस जो पेंट होता है ना, जो वॉशेबल होता है, जैसे पानी डालो तो वो वॉश हो जाता है, बच्चे हाथ लगाते गंदे या पेंसिल के निशान मारते तो वो कपड़ा मारो साफ हो जाता है, वो वाला करवाना है पेंट, मतलब एक दफा ही करवानी है अच्छी चीज़, वो वाला नहीं वो चूने वाला पेंट करवा के उसको घिसते रहो सारा दिन बैठ के। तो प्राइमर हो चुका है, बाकी पेंट अभी नहीं हुआ, बोर्ड्स के पेंट हो चुका है हमारा। तो मैंने वकास को बोला एक टीवी जो है वो इस कमरे में लगा दें, वकास बोला था टीवी लाउंज में लगाऊंगा, मैंने बोला आगे सर्दी है टीवी लाउंज में किसने बैठ रहा है, तेरी सर्दी में सब कमरों में घुसे होते अपने अपने, एक टीवी बच्चों के कमरे में लगा हुआ, एक हमारे कमरे में लग जाएगा। यार कसम से शुक्र करूंगी खिड़की दरवाजे लगे, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन होती थी, मैं पूरी रात नहीं सोती थी, फजर की अजान के बाद मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूंके फिर सोती थी, क्योंकि पता है नींद में कुछ पता नहीं होता, मैं कहती यार कोई बच्चे ही ना उठा के ले जाए पीछे से। हालांकि एरिया तो माशाल्लाह बहुत सेफ है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, चौकीदार भी है, और वो ऐसे फेरे लगाता रहता है, इवन कल हम टंकी में पानी भर रहे तब भी वो हमसे आके पूछता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, आप यहीं के हैं, फिर उसने पूछा वो कहाँ से, आगे चेक वेक किया, फिर कहाँ से बोला अब हमारा अपना घर है, हम फैमिली है तो टंकी में पानी भर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी मोटर कनेक्ट नहीं हुई तो पाइप से पानी भरना पड़ता है, तो मैं ऊपर खड़ी होती हूँ टंकी में पाइप पकड़ के, बहुत ही फनी सीन होता है, वकास नीचे खड़े होते हैं आवाज मारते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने बोला आपने फुल मुझे गांव वाली फीलिंग दी तो बस यार ये मेरा आज का व्लॉग था, बाकी मैंने चैनल का लिंक लगाया था सारा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके उनको सब्सक्राइब कर लेना, बताना भी कि भाई नताशा वकास की आर्मी आई, पता चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू सो मच इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का, इसकी वजह से मुझे इतनी मोटिवेशन है ना कि मैं इतनी तंग हालात में भी घबरा नहीं रही हूँ, वरना रो रही होती मैं भी, अगर आप लोगों का, आप लोगों के कमेंट्स पर पढ़ के मैं इतना मोटिवेट होती हूँ, इतना मोटिवेट होती हूँ कि मेरे में हिम्मत रहती है और नई जान जाती है। बलाज रोया में जा रही उसको देखने के लिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मैंने दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, दराज की सेल आ रही है 11:11 की, तो मैं उसकी वीडियो लगाऊंगी आज मेन चैनल पर, तो आप लोग वो भी देख लेना, मेन चैनल पर भी ऐसे प्यार दो यार जैसे इस चैनल पर दे रहे हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।